फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल और अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 लगातार सुर्खियों में है। फैंस अनाउंसमेंट के बाद से ही फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से दर्शकों को तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। वही हम आपको बताते चले तो जिसमें कई ट्विस्ट आने वाले हैं। बता दें तो गदर 2 साल 2001 में आई सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर अब तक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जिसके डायलॉग आज भी फेमस है। अब फिल्म के सेट से कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें तारा सिंह जबरदस्त एक्शन करते देखे जा सकते हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो गदर 2 की शूटिंग अलग अलग लोकेशन पर चल रही है। कई बार शूटिंग के साथ कुछ तस्वीरें लीक हो जाती हैं, जिसे देखकर फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं। अब फिल्म के सेट से एक तस्वीरें लीक हुई है जिसमें हमें ट्रेन वाला सीन देखने को मिल रहा है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि तारा सिंह इसी ट्रेन के लाहौर जाएंगे और सकीना और बेटे को वापस लेकर आएंगे। तस्वीर में हमें सनी देओल दिखाई देते हैं जो चलती हुई गाड़ियों के बीच से निकलते हैं और एक्शन करते हैं। यकीन मानिए, इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं हम आपको बताते चले तो गदर 2 से आई ये धमाकेदार तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि सनी देओल के किसी फैन पेज ने किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है गदर 2 की शूटिंग। फैंस वीडियो पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि एक्शन है सनी पाजी, आपको सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एक दूसरे यूजर ने लिखा तारा सिंह इस बार भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा कभी ट्रेन तो कभी गाड़ियों पर स्टैंड, ये आप ही कर सकते हो, मेरे हीरो गदर 2 का बेसब्री से इंतजार है। वही हम आपको बताते चले तो 22 साल बाद अनिल शर्मा गदर 2 के साथ तारा सिंह को वापस ला रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से गदर 2 की रिलीज को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो जी स्टूडियोज ने निर्देशक अनिल शर्मा अभिनेता सनी देओल के परामर्श से गदर की रिलीज की तारीख तय कर दी है। सूत्र ने बताया है कि गदर 11 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी। दिलचस्प बात तो यह है कि इसी मौके पर सत्यदेव प्रिंटी वांगा द्वारा निर्देशित फिल्म एनिमल भी रिलीज होगी, जिसमें रणवीर कपूर नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप किस फिल्म को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।